यह लोकसभा का चुनाव चल रहा है, वोटिंग शांतिपूर्ण हो रही है, लेकिन कुछ स्थानों से देर से वोटिंग की खबर है। वहीं यहां जो है कि गया लोकसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 198 पर जो मतदाता है वे काफी निराश हैं, क्योंकि वे वोट दिए बिना लौट रहे हैं। घंटों से ईवीएम मशीन खराब है, जिसके कारण उन्होंने वोटिंग नहीं की है और वे अब निराश होकर लौट रहे हैं। तो काफी तादाद में मतदाता यहाँ से लौट रहे हैं। बात करते हैं कुछ मतदाताओं से जो बताएंगे कि क्या कब से लाइन में लगे थे। हम लोग 1 घंटे से खड़े थे धूप में और मशीन खराब होने के कारण हम लोग वोट नहीं दे पाए। बोले अभी तक पता नहीं है कब बनेगा, फिर हम लोग कितना देर रहे चले हैं। कितना मतलब देर लोग वहाँ खड़े हैं? अभी तो वहाँ लगता नहीं, अब 10 लोग हैं वहाँ पे। आप लोग खड़े हैं लेकिन धीरे धीरे लौटना शुरू हो गए। बहुत लोग लौट गए। क्या मांग करते हैं? क्या मांग करेंगे? टीम बनाया। ठीक, क्या नाम है? माला बरिया। अब बताइए। हम लोग 1-1.5 घंटा से खाए थे, वोट नहीं दे पाए, घर लौट गए। अब बता दीजिए। 1 घंटा से खड़ा थे सर, मशीन अभी तक कुछ बना नहीं, बन जाता तो हम लोग अपना अधिकार था, इसके कारण हम लोग घर जा रहे हैं। तो देखते हैं सर, 4-5 कितने बजे आप घर से गए थे वहाँ वोट करने? सर हम 10:30 बजे तक गए थे। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी सर अब टाइम याद 12:30 हो रहा है, मतलब 2 घंटे रहने के बाद लौट रहे हैं। क्या नाम होता है? धर्मेंद्र कुमार। बताइए जी। मैं जितेंद्र कुमार, सेक्टर में सेठ साहब को फोन गया, सेक्टर में सेठ साहब आए, उन्होंने दूसरा भी पैड भी लगाया लेकिन वो चालू नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग जब पूछे उनसे, उनका कहना है कि नहीं एसडीओ साहब को फोन गया है, वो आ रहे हैं। अभी तक एसडीओ साहब या डी एस साहब कोई भी पदाधिकारी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ गर्मी में और हम लोग जा करके लाइन लगा कर वोट देने के लिए हमेशा मैंने उत्सुक रखते हैं। कौन सा बूथ है? मेरा बूथ नंबर 198 है, सामने से क्या गया नगर। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। मेरी फर्स्ट बेटी जो है प्रथम बार दे रही है, बहुत एक्साइटमेंट थी। बताइए। जी हाँ, मुझे भी बहुत निराशा हो रहा है कि मैं ऐसा मेरे साथ हुआ कि मेरा पहला वोट था, वो भी अभी तक मैं बिल्कुल भी जैसे मेरे एक्साइटमेंट थी इसके अकॉर्डिंग भी सब चीज़ें नहीं हो रही है। मैं वापस लौट के जा रही हूँ, पता नहीं शाम में मैं फिर आके दूंगी, क्योंकि एज ए नागरिक मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सरकार को हिसाब से रखूँ। जाना मैं चाहती हूँ। क्या नाम है? स्नेहा राज। तो इस तरह से जो 198 बूथ के मतदाता हैं वो काफी निराश हैं और वगैरह वोट दिए हुए की काफी संख्या में यहाँ के मतदाता अपने घरों को लौट रहे हैं। गया से ईटीवी भारत के लिए रत्नेश कुमार।